हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग लास्ट स्टेज पर हैं अकाउंटेंसी सेक्शन सी में। जैसे मैंने रिवीजन प्लान दिया था वैसे आज लास्ट स्टेज क्वेश्चन नंबर 25 और 26, ये दो में से एक आ ही जाएगा जो हमने रिवीजन प्लान में 3 मार्क बताया था। वो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर है डिबेंचर। शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में नहीं। हमको पब्लिक से पैसा लेना है। ऐसा मान लो कि ये एक प्रकार की लोन हम पब्लिक से ले रहे हैं। लोन नहीं है, लेकिन समझो पैसा ले रहे हैं, तो उस पर फिक्स परसेंट इंटरेस्ट मुझे पे करना रहेगा। तो उसके लिए जनरल एंट्री लिखने का सम एग्जाम में आता है। और ये जहां जितने भी सम्स हैं वो सब एग्जाम के सम्स मैं बता रहा हूं। दो में से एक तो आ ही जाएगा, ऐसी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिक से लेना चाहता हूं। पहले तो क्वेश्चन है मार्च 18 का लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्च 20 लिखा है, फिर मार्च 20, फिर से एक और जो दो क्वेश्चन थे वैसे लिखे हैं। लेकिन इच्छा ऐसी हो रही है कि पहले ये मार्च 20 कर ले, फिर ये और फिर ये, क्योंकि बेसिक चीज जो है ना वो इसमें है। बता रहा हूं कैसे। जैसे डिबेंचर है, मैंने बताया वन टाइप ऑफ लोन। मान लो आप किसी से पैसा लेते हो लोन पे, उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सेम वे आप पब्लिक से पैसा लेते हो डिबेंचर इश्यू करके, तो आपको उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसलिए डिबेंचर का जो नाम लिखा जाता है वो परसेंटेज के साथ लिखा जाता है। दूसरी एक बात, डिबेंचर 100 रुपए का है, 500 का है, 1000 का है, कोई भी डिबेंचर हो सकता है। उसको हम जब इश्यू करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। डिबेंचर कैन बी इश्यू एट पार, डिबेंचर कैन बी इश्यू एट प्रीमियम, डिबेंचर कैन बी इश्यू एट डिस्काउंट ऑल्सो। मैं ओरिजिनल प्राइस से, उससे ज्यादा प्राइस पे, उससे कम प्राइस पे इश्यू कर सकता हूं। यानी पार ओरिजिनल प्राइस, प्रीमियम ज्यादा, डिस्काउंट कम प्राइस पे इश्यू कर सकता हूं। अच्छा, लोन लेते हो तो पैसे वापस देने पड़ते हैं। तो सेम वे यहां पे पैसे वापस देंगे यानी रिडीम करेंगे, तो रिडीम का भी ऑप्शन है। उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, जो ओरिजिनल प्राइस है वो वापस दो और उससे ज्यादा वापस दो, कम नहीं दे सकते। यानी रिडम्पशन डिस्काउंट पे पॉसिबल नहीं है। सोचो आपने किसी से पैसे लिए, उसको उतने पैसे वापस जो दो या उससे ज्यादा दो, ज्यादा दे सकते हो, कम नहीं। अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट में बता दिया, जनरल एंट्री करो, 3 मार्क्स ले लो। तो स्टार्ट कर रहा हूं ये मार्च 20 क्वेश्चन से। इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें बोला है इश्यू का जनरल एंट्री करो। पहला क्वेश्चन है 4.5% 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 इच। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 100 रुपए का। क्या किया? इश्यू किया 100 में। 100 का है, 100 में इश्यू किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिडीम एट 100, वापिस लिया तो भी 100 में लिया। तो ये बोलते हैं हम लोग जब इश्यू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री, वो बताओ। तो सिंपल लॉजिक से सिखा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। अगर मैं 100 रुपीज में इश्यू कर रहा हूं तो पूरे के पूरे पैसे ले लूंगा, इंस्टॉलमेंट में नहीं। तो पैसे आए, लोगों ने एप्लीकेशन की, पैसे आए, कैश कम्स इन थ्रू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, 100 रुपए आएंगे। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब पैसा आ गया, इसीलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100। तो पहली एंट्री 100 रुपीज में इश्यू किया इसलिए। दूसरी एंट्री, जब मैं उनको डिबेंचर दूंगा, डिबेंचर जो यहां पे क्रेडिट किया एप्लीकेशन अलॉटमेंट, उसको करो डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100। टू, अब मैं उनको डिबेंचर दूंगा, कौन से डिबेंचर, 4.5% वाले डिबेंचर। टू 4.5% डिबेंचर अकाउंट 100। दो एंट्री खत्म। लेकिन लेकिन एक चीज बाकी। सर ये तो मैंने एक डिबेंचर के बारे में लिखा, यहां पे 8,000 डिबेंचर्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करो इनटू 8,000, काम खत्म। तो अमाउंट मल्टीप्लीकेशन करने के बाद लिखना है। ये 2 एंट्री आपकी हुई, आपका एक काम खत्म, इश्यू का काम खत्म हो गया। खास ध्यान रखना है,
यहाँ पे रिडम्पशन में 100 रुपीज पे कर रहा हूं ओरिजिनल प्राइस, तो ये सेकेंड एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है। अब बोलोगे कुछ होता है क्या? है ना, इसलिए तो बता रहा हूं अभी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन यही यहां पे पूछा है कि 5.5% डिबेंचर 9000 इश्यू, इट्स ओरिजिनल प्राइस इज 100 रुपीज, इश्यू एट 10% डिस्काउंट, सो 100 माइनस 10% यू विल गेट 90 रुपीज, सो इश्यू प्राइस इज 90। रिडीम एट पार, ओरिजिनल प्राइस से रिडीम करना है, यानी 100 का था, 100 मुझे वापस देना है, फिर से जनरल एंट्री ओनली फॉर इश्यू। तो फिर से इश्यू करेंगे तो बैंक में पैसे आएंगे, कितने आएंगे? 90 सर जी, 90। सो बैंक अकाउंट डेबिट 90 एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90। अच्छा दूसरा एंट्री, सर इसको डेबिट करो एज इट इज, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90। मैंने डिबेंचर दिया कौन सा? 5.5% 100 वाला, सो 5.5% डिबेंचर 100 क्रेडिट। अब आप बोलोगे सर जी 90 डेबिट 100 क्रेडिट, ये 10 रुपीज कहाँ गए? क्योंकि डेबिट क्रेडिट सेम होना चाहिए, सो 10 रुपीज डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो मैंने डिस्काउंट दिया, मेरा एक्सपेंस है, मेरा लॉस है, जो मन है एक्चुअली एक्सपेंस है, मान लो तो एक्सपेंस डेबिट होता है, डिबेंचर डिस्काउंट 10 रुपीज, अपसेट हो गया सर, 100 डेबिट 100 क्रेडिट, डन, इश्यू एंट्री डन। दूसरा टॉपिक, थर्ड, मैंने बताया था सर रिडम्पशन 100 ओरिजिनल प्राइस पे है, इसका मतलब ये इसमें कोई चेंज सेकेंड एंट्री में करना नहीं है। नेक्स्ट वन लास्ट, 8% 10,000 डिबेंचर एट रुपीज 200 इश्यू, 200 रुपए का है, इश्यू कितने में किया? इश्यू एट प्रीमियम, सो 200 प्लस 10% 220 में मैंने इश्यू किया। रिडीम एट पार, ओरिजिनल प्राइस एट पार, इसका मतलब यह है 200 रुपीज में मैंने उसको रिडीम किया, तो जितने का था उतने पैसे मेरे को वापस देने पड़ेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट, जर्नल एंट्री, पैसा आया सर 220 में इश्यू किया तो 220 आया, बैंक अकाउंट डेबिट 220, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 220, जितना क्रेडिट किया उतना डेबिट करो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 220, टू मैंने दिया डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर 200, 200 का डिबेंचर दिया, 200 का डिबेंचर दिया सर, अगेन डेबिट क्रेडिट सेम नहीं है, 220 डेबिट 200 क्रेडिट, 20 रुपीज क्रेडिट करोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कहां पैसा डालना है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, आपका प्रीमियम है, खास याद रखना है, जब आप शेयर प्रीमियम पे इश्यू करते हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करते हो, यहां पे डिबेंचर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड को यूज करना है। ये सब में इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? ये जो अमाउंट लिखा है वो पर डिबेंचर है, आपको मल्टीप्लाई करना है इश्यूड डिबेंचर इंटू 8,000 हियर इंटू 9,000 हियर एंड इन दिस 10,000 मल्टीप्लाई, देन यू कैन राइट फुल एंट्री, यू विल गेट 3 मार्क्स फुल। तो ये आपका एग्जाम में आ चुका है और बेसिक है, इसलिए पहले करवा रहा हूं। अब शुरू करो नया टॉपिक, क्यों? क्योंकि आपको बताया था ये तो ओरिजिनल एट पार है, रिडम्पशन एट पार है, तो सेकेंड एंट्री में कोई चेंज नहीं हुआ, अगर रिडम्पशन में प्रीमियम हो तो क्या करना है उसके लिए हम बात करेंगे। अब मार्च 18, उसमें क्वेश्चन है 8% 12,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 इश्यू एंड इश्यू एट पार, इश्यू एट ओरिजिनल प्राइस 100 बट रिडीम एट 115, यानी जो 100 की चीज है उसको 115 वापस देंगे, ओरिजिनल प्राइस से कंपैरिजन करना है, नहीं के इश्यू प्राइस से कंपैरिजन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट। तो ये बोल रहे हैं इश्यू और रिडम्पशन दोनों का एंट्री दो, 177 उस दिन मैंने इश्यू किया, तो इश्यू का एंट्री सर ये दो है ना, सेम, पैसा आया सर 100 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपीज, इतना तो ठीक है। अच्छा जितना यहां क्रेडिट करते हो वो डेबिट करो, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज,
टू 8% डिबेंचर 100 rupees, क्योंकि डिबेंचर तो 100 का ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब सर ये सेकेंड एंट्री में जो चेंज होगा वो क्या है? यहां पे रिडम्पशन पे 15 rupees हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ओरिजिनल प्राइस से, सो 15 rupees डेबिट भी करना है और 15 rupees क्रेडिट भी करना है। और यहां लिखना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यहां पे लिखना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, दैट्स इट। ये एडिशन करने के बाद आपका इश्यू एंट्री खत्म, ये इश्यू का एंट्री हो गया। अब सर ऑन 36/13 वी आर रिडीमिंग आवर डिबेंचर, इस दिन हम लोग ये रिडम्पशन करेंगे। अब रिडम्पशन का एंट्री क्या होगा सर? उल्टा हमको क्या वापस देना है सर? ये 100 rupees वापस देने हैं और ये 15 rupees 15 वापस देने हैं, ये दोनों को करो डेबिट। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 15, टू डिबेंचर होल्डर 115, दैट्स इट। और फिर इनको पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर, अब इसको डेबिट करो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 115 टू बैंक अकाउंट 115। अब फिर से सर एक ही बात है, सब में मैंने बार बार डिबेंचर लिखा है, कितने डिबेंचर इश्यू किए सर? 12,000 डिबेंचर इश्यू, तो पहली दो एंट्री में मल्टीप्लाई करो 12,000 के साथ। सर कितने डिबेंचर रिडीम किए, कितने वापस लिए? 12,000 वापस लिए, तो बाकी की दो एंट्री में भी मल्टीप्लाई करो 12,000 के साथ, इतना करो आपका 3 mark फिक्स। अब सोचो क्या एडिशन हुआ सर? ये सिंपल था, रिडीम एट पार था, यहां पे रिडीम एट प्रीमियम है, तो सेकेंड एंट्री में सिर्फ ये चेंजेस हुआ, बाकी एज इट इज नो चेंज। अच्छा एक राज की बात बताऊं, ये तो सम मार्च 18 में पूछा है, वैसा ही सम सिर्फ अमाउंट चेंज करके मार्च 19, मई 21, जुलाई 18, जुलाई 19 में भी है। देखो डेट दिया है इश्यू एट 100, ओरिजिनल प्राइस 100 एंड रिडीम एट 120, यानी वापस लेते टाइम 20 rupees ज्यादा दिए। Not compare with issue price, comparing with original price. Original price से कितना ज्यादा? 20 rupees ज्यादा। तो अगर ये सम है तो इसमें चेंजेस क्या होगा सर? सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट 100, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100, इसको डेबिट करेंगे 100, डिबेंचर अकाउंट 100, यहां तक तो कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन यहां पे 20 rupees एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 20 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 20, दैट्स इट। अच्छा ये दोनों हमको वापस देना है, तो लास्ट डेट पे जो ये डेट आएगा तब क्या करेंगे? 100 डेबिट 20 डेबिट, टोटल 120 क्रेडिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। अब डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 120 टू बैंक अकाउंट 120, पेमेंट कर दो। डिबेंचर जो होंगे वो मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो ये सब सम हो गए। अब सोचो एक ही मेथड कितने सारे सम, मार्च 18, मार्च 19, मई 21, जुलाई 18, जुलाई 19, सब में क्वेश्चन था। और आज का लास्ट, ये लेक्चर के बाद आपके 12 mark फिक्स। मार्च 20 में क्वेश्चन था 8% 14,000 डिबेंचर इश्यू ऑफ रुपीज 300, 300 rupees का डिबेंचर था, बट इट्स इश्यू एट अ 5% प्रीमियम, 5% एक्स्ट्रा लेना है, सो 300 प्लस 5% 315 rupees, 315 rupees इश्यू प्राइस, एंड रिडीम एट 330, यानी ओरिजिनल 300 है, 30 rupees ज्यादा, इसकी कंपैरिजन नहीं करना, 30 rupees ज्यादा दिए। इश्यू एंड रिडम्पशन का जर्नल एंट्री लिख लो फटाफट। सर जी पैसा आया कितना? 315 बैंक अकाउंट डेबिट 315 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 315, इसी को डेबिट करना है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 315 टू डिबेंचर अकाउंट 300, मोस्ट आईएमपी 300 का था, 300 लिखा।
अब सर 315 315 डेबिट 300 क्रेडिट डिफरेंस इज 15 क्रेडिट दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. यहाँ पे सिखाया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट सेम चीज यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे नया क्या है सर रिडम्पशन पे 30 रुपीज ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा है तो 30 डेबिट भी करना है 30 क्रेडिट भी करना है और लिखना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 30 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 30. अब ये सेकेंड एंट्री करेक्ट हुआ. ये दोनों एंट्री हमारा इश्यू एंट्री है पर डिबेंचर लिखा है. एंड नेक्स्ट रिडीम जब हम वापिस लेंगे 3112 ये 3112 का एंट्री. सर क्या क्या वापस देना पड़ेगा डिबेंचर के 300 रुपीज प्रीमियम के 30 ये दोनों मुझे पैसा देना है डिबेंचर होल्डर को तो ये दोनों डेबिट कर दिया 300 डेबिट 30 डेबिट 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 330 इतना मुझे देना है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट. अब डिबेंचर होल्डर को पे करो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 330 टू बैंक अकाउंट 330. यहां तक काम खत्म नहीं होता है सर. मल्टीप्लाई किससे करें इश्यू किया 14,000 डिबेंचर ये फर्स्ट टू एंट्रीज मल्टीप्लाई विद 14,000 रिडीम किया 14,000 डिबेंचर लास्ट टू एंट्री आल्सो मल्टीप्लाई विद 14,000 देन राइट फुल अमाउंट. अब आपका 3 मार्क्स 100% फिक्स. ये दो में से एक तो आएगा ही और ये लेक्चर के साथ आपका सेक्शन सी में से 12 मार्क्स को फिक्स करता हूं. आगे के सब लेक्चर मिला के आप क्लियर कर सकते हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. बाय बाय.